गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिट सेकेंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक नेम्ड हॉर्नबिल। नेम ऑफ द लेसन एंड टाइटल इज द वी आर नॉट टेम्पटेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा लास्ट डे। यू लोकेट अगेन, I repeat to the stanza. If you are not aware of all the sentiments and clear meaning of the word, in July 1976, my wife Mary sent Jayanathan 6 daughters, Jenny 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. 200 years ago, Captain Cook had made the journey of ocean, and in duplicate and in same way, you can say the author is also wanting to make the repetition of the journey by sea. 200 वर्ष पहले जिस यात्रा को कैप्टन जेम्स कुक ने समुद्र के मार्ग से कंप्लीट किया था, पूरा किया था, उसी को दोहराने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, उसी की टू कॉपी करने के लिए लेखक 1976 ईस्वी में जुलाई के महीने में अपनी वाइफ मेरी, लड़का जयनाथन, पुत्री जो 6 वर्ष का था, डॉटर सुजैनी 7, और डॉटर सुजैनी जो 7 वर्ष की थी, एंड आई सेट सेल फ्रॉम Plymouth, England. लेखक कह रहा है, I started to the journey from Plymouth of England. England के Plymouth स्थान से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की. We had started the journey on the date of July, from the month of July 1976, along with the family members, to duplicate the round the world voyage, to duplicate for the repetition of such journey, you can say. Duplicate means for the repetition of same journey, उसी जर्नी को दोहराने के लिए, उसी जैसे यात्रा करने के लिए हम लोगों ने ओएस माने समुद्री यात्रा, जर्नी बाई सी, समुद्री यात्रा शुरू की. मेड 200 इयर्स एरियर बाई कैप्टन जेम्स कुक, जो 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा यात्रा की गई थी. जस्ट इट मीन्स दैट द ऑथर इज वेरी डिटरमिन्ड एंड ऑल्सो हैज इंस्पायर विथ द जर्नी ऑफ जेम्स कैप्टन कुक.
जेम्स कैप्टन कुक की यात्रा से प्रेरित होकर पुनः वही यात्रा शुरू करने वैसी यात्रा शुरू करने का निश्चय लिया है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कह रहा है कि लंबे समय तक मेरी एंड आई 37 इयर्स ओल्ड मेरी और मैं 37 वर्षीय व्यक्ति बिजनेसमैन हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग। हम लोगों ने ड्रीम स्वप्न देखा था, थर्ड फर्स्ट पार्टिसिपल है ड्रीम का, ड्रीम्ड, वी हैव ड्रीम्ड, वी हैव इमेजिन्ड, हम लोगों ने कल्पना की थी, हम लोगों ने सोचा था, वी हैव थिंक्ड, स्वप्न देखा था, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, इन द कॉन्सिक्वेंस, इन द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप फेमस एक्सप्लोरर उस प्रसिद्ध अन्वेषक, डिस्कवरर, अवगाहक, डाइवर से प्रेरित होकर एंड फॉर द पास्ट 60 इयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम, और हमने सभी फुर्सत वाले समय को आई हैव इन्वॉल्व टू माई सेल्फ इन द वर्क ऑफ टेकिंग ट्रेनिंग ऑफ सेल एंड बोटिंग इन द वाटर। यानी मैं अपना पूरा समय 16 साल तक हम लोगों ने हॉर्निंग मैंने शार्क, हॉर्निंग मीन्स शार्क, हॉर्निंग शार्क तेजी से रैपिडली तीव्र गति से हम लोगों ने सी फायरिंग, एस ई ए एफ ए एस फायरिंग एफ ए आर आई एन डी सी फायरिंग इन यूज ऑफ बीइंग एक्सपर्ट इक्विपमेंट्स, जो समुद्र यात्रा में इस इक्विपमेंट का, जिस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको प्रयोग में लाने के लिए वी हैव डन हार्ड लेबर। आवर ओन वेव वॉकर 23 मीटर 30 टन वुडन हार्ड ड्यूटी, वुडन हार्ड कहता है कि आवर बोट वेव वेकर, जो हमारी नाव थी वेव वेकर नाव, वो 23 मीटर 23 मीटर लंबी और 30 टन वुडन हार्ड 30 टन वजन की थी।
और ओडन हॉल्ड, इसका जो हॉल्ड था बॉटम था हॉल्ड, हॉल्ड मीन बॉटम, तलहटी जो इसकी पेटी थी, तलहटी थी, वो हैड ड्यूटी, हार्ड ड्यूटी, पेटी उसकी सुंदर थी, वाज अट्रैक्टिव इन विजुअलाइजिंग, देखने में सुंदर थी, had been professionally built, professionally, पेशेवर ढंग से, occasionally, professionally, occasionally, पेशेवर ढंग से, यह पेशेवर ढंग से प्रोफेशनली बिल्ट मैंने बनी हुई थी, एंड वी हैड स्पेंट मंथ कीपिंग इट, और हम लोगों ने इसे सेट करने में एक महीने का समय लिया, यानी हम लोगों को इसको सेट करने में एक महीने का समय लगा, एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर, और हम लोगों ने इसकी जो टेस्टिंग की थी, जो इसका परीक्षण किया था, टेस्टिंग मीन्स परीक्षण, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग परीक्षण एग्जामिनेशन, और हम लोगों ने जो परीक्षण किया था इसका, इन रफेस्ट वेदर, रफेस्ट माने सबसे खराब, बर्स RUGS, रफेस्ट वेदर मीन बर्स सीजन, बर्स सीजन सबसे खराब है, सबसे खराब मौसम, सबसे खराब मौसम में हम लोगों ने इसका परीक्षण किया था, टेस्टिंग ऑफ बोटिंग हैड बीन डन बाय वी ऑल इन द रफेस्ट वेदर, रफेस्ट सीजन, वी कुड फाइंड, जितना हम लोगों को खराब मौसम मिल सका उसी, मीनिंग इन द रीजन ऑफ ऑथर, व्हाट वाज द वर्स्ट सीजन ऑफ द टाइम इन सेम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ही हैड डन टेस्ट ऑफ द बोटी ऑफ द इक्विपमेंट बाय विच he was making journey in the ocean. The first leg of our plan 3 years.
कह रहा है कि हम हमारा जो पहला चरण था लेग मीन्स स्टेप, या लेग मीन्स स्टेप, लेग मीन्स स्टेप, जो हमारा प्रथम चरण था और 3 वर्षों का था, उसमें एक 150,000 किलोमीटर, 105,000 किलोमीटर, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जो पहला लक्ष्य था, द फर्स्ट गोल, द फर्स्ट रीजन ऑफ द ऑथर वाज टू मेक द जर्नी 105,000 किलोमीटर विद इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल में लेखक 105,000 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य रखा था। पास्ट प्रेजेंटली, जो सुखद ढंग से प्रेजेंटली मैंने जॉयफुली कंप्लीट हुआ, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका केप टाउन, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जिसकी हम लोगों ने यात्रा की द वेस्ट कोस्ट पश्चिमी किनारे ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के केप टाउन, हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन की यात्रा पूरी की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक आर 2 क्रूमैन, क्रूमैन माने बोटमैन, कह रहा है थ्री बिफोर हेडिंग ईस्ट, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां से आगे बढ़ने के बाद वी टुक आर 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविकों को लिया, अमेरिकन लैरी वीजल, अमेरिका के लैरी वीजल को, एंड स्वीस हर्ट सिजलर, और स्वीस स्विट्जरलैंड के हर्ट सिजलर को, टू हेल्प अस टेकल, हम लोगों का हेल्प करें, सहायता करें और टेकल करें, सामना करें, टू मेक द फेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयों का सामना करें, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी द सदर्न इंडियन ओशन, जो सबसे खतरनाक, मोर डेंजरस, मोर हैजार्डस, मोर जोपार्टाइज, मोर जोपराइटेड सी दैट इज नोन एज सदर्न इंडियन ओशन, जो दक्षिण भारतीय समुद्र, दक्षिणी हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है, यानी दक्षिणी हिंद महासागर जो सबसे खराब इसकी गतिविधियां हैं, द एक्टिविटीज ऑफ दिस ओशन रिमेन्स वेरी अनसर्टेनेबल, व्हाट ट्रांजिशन, व्हाट चेंजिंग विल कम इन दिस सदर्न ओशन, नोबडी कैन मेक द प्रोफेसी, एवरीथिंग हैपेंड सडनली देयर, सो मेजरिंग टू द प्रिकॉशन, मेजरिंग टू द प्रीमोनिशन और एंटिसिपेशन,
राइटर हैड अपॉइंटेड ट्रू एक्सपर्ट ऑफ द बोट इन द ओशन वन फ्रॉम अमेरिका एंड अदर फ्रॉम स्विट्जरलैंड On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. On our second day out of the Cape Town के बाहर दूसरे दिन की शुरुआत में we began to encounter, हम लोगों ने सामना करना शुरू कर दिया. Encounter means to make the face of difficulty. स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग मैंने बहुत सशक्त मजबूत गेल्स का. गेल्स मीन्स स्टॉर्मी विंड का. गेल मीन्स स्टॉर्मी विंड. गेल्स स्टॉर्मी विंड माने तूफानी हवाओं का. कह रहा है कि वन आवर सेकेंड डे ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ कैप टाउन. कैप टाउन के बाहर जब हम लोग हुए दूसरे दिन, कैप टाउन इज द सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, वी बिगेन टू इनकाउंटर, तो हम लोग फेस करना शुरू किए स्ट्रांग गेल्स, बहुत मजबूत तूफानी हवाओं का. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वे लगातार प्रवाहित होती रहीं, बहती रहीं. गैल्स डिड नॉट वरी मी. लेखक कह रहा है कि जो गैल्स थी, जो तूफानी हवा थी, स्टॉर्मी विंड थी, डिड नॉट वरी मी, उसने मुझे चिंतित नहीं किया. देर वॉज नो फियर, देर वॉज नो टेरर फ्रॉम द ब्लोइंग विंड स्टॉर्मली. बट लेकिन द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग. जो फिगर थी लहरों की, जो उठापटक थी, रेडियो